सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि लैपिस विजुअल्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और 5M के नॉर्मल ग्राफिक्स और लैपिस विजुअल्स के बाद की जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल GT5 की वेनिला ग्राफिक्स और लैपिस विजुअल्स को डालने के बाद जो ग्राफिक्स हैं वो अल्टीमेट चेंज हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली ये करें, डिस्क्रिप्शन में गए जाओगे, वहाँ पे एक फाइल दी है जिसको वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पासवर्ड आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। उसके बाद आपने 5M एप्लीकेशन डाटा को खोलना है। एप्लीकेशन डाटा के अंदर सिटीजन के अंदर जाना है, देन कॉमन के अंदर जाना है, देन डाटा के अंदर जाना है और इस फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप गेम रन करेंगे आपके ग्राफिक्स अल्टीमेट चेंज हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है मोर स्मोक्स, कार के स्मोक्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छी हो चुकी हैं और बेटर विजुअल्स हमको मिल चुके हैं, विजुअल्स हमको अच्छे मिल जाएंगे। और जो कार की रिफ्लेक्शन है आफ्टर रेन वो भी हमें बहुत अच्छी मिल जाती है, और रोड की रिफ्लेक्शंस हैं वो भी हमें बहुत अच्छा देखने को लगता है दोस्तों। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि इस जो फाइल का साइज़ है वो बहुत छोटा है, NVMe और QuantVMe की तरह ये GB में नहीं है, ये MB में है। तो लो साइज़ होने के कारण इसकी इंस्टॉलेशन हमारे लिए और आसान हो जाती है। और सबसे बेस्ट क्या है, अब अगर वाटर के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर रिवैम्प्ड वाटर किया गया है, तो वाटर की रिफ्लेक्शन चेंज की गई हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।